अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे प्रीमोल्यूट एन के बारे में। ये है नोर एथिस्टीरोन। ये हार्मोनल मेडिसिन है। ये यूज़ होती है फीमेल्स में। फीमेल्स के मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट के लिए प्रीमोल्यूट एन रिकमेंड करता है। इसमें जो बेसिक जो कुछ इंडिकेशंस हैं, मैं वन बाय वन डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले है डिसफंक्शनल ब्लीडिंग, यानी आपकी ब्लीडिंग या तो एबनॉर्मली बहुत ज़्यादा हो रही है, या उसके डेज या पीरियड्स की ब्लीडिंग जो है वो आपकी 7 डेज से ज़्यादा हो रही है, या 7 बहुत एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, बार बार डेज पीरियड्स हो रहे हैं, तो डॉक्टर इसको एक सिस्टमेटिक वे में आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि 21 डेज आपने खानी है। प्रीमोल्यूट एन से क्या होता है कि ये जो हार्मोन सिक्रेट करती है बॉडी में, ये जो ये आपकी ब्लीडिंग को उस टाइम रोक देती है। फिर जब आपको विदड्रॉ करते हैं प्रीमोल्यूट एन को खाना, तो फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो डॉक्टर इससे आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं कि आपके एक टाइम स्पैन के मुताबिक मेडिसिन देते हैं, और उसके बाद इसे स्टॉप करते हैं। फिर ब्लीडिंग होती है, फिर स्टार्ट करते हैं मेडिसिन लेना। फिर इस तरह 3 मंथ्स का कोर्स होता है या 2 मंथ्स का, तो जिस तरह डॉक्टर के मुताबिक आपने लेनी है, उसमें आपको उसके टाइम स्पैन के दरमियान में ब्लीडिंग होती है, फिर उसे स्टॉप कर देते हैं, और इस तरह बॉडी आहिस्ता आहिस्ता रेगुलेट हो जाती है। इसके अलावा प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमिनोरिया। एमिनोरिया क्या होता है? एमिनोरिया होता है जिन लोगों को पीरियड्स नहीं होते आफ्टर द एज ऑफ 15 इन गर्ल्स, यानी 15 साल की उम्र के बाद भी पीरियड्स नहीं होते, उनको डॉक्टर इसका कोर्स करवाती हैं, ताकि एक ख़ास पीरियड्स के लिए टाइम के लिए मेडिसिन बॉडी में जाती है, और फिर जब उसे विदड्रॉ करते हैं तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी में आपको जैसे पीरियड्स हो अभी नहीं स्टार्ट हुए और आपकी एज कम है, और सेकेंडरी में आपको मे बी किसी वजह से पीरियड्स नहीं हो रहे 3-4 मंथ से, फिर डॉक्टर ये स्टार्ट कराती हैं। अक्सर ही लड़कियों में PCOS की वजह से, या पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह से, या फिर हार्मोनल इम्बेलेंस, हार्मोन्स की क्वांटिटी, हार्मोन्स के जो मसाइल होते हैं उसकी वजह से ये मसला आता है, तो ये प्रीमोल्यूट एन की वजह से ठीक हो जाता है। इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स आती हैं एंडोमेट्रियोसिस की, यानी आपकी जो लाइनिंग है यूट्रस की वो थिक हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती, उसके ट्रीटमेंट के लिए भी प्रीमोल्यूट एन देते हैं। प्रीमोल्यूट एन आप खुद से नहीं ले सकते घर में, क्योंकि इसकी साइड बहुत ज़्यादा इश्यूज़ भी होते हैं, यानी ये हार्मोनल मेडिसिन है, इसके विदड्रॉ इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। इसको आप ब्लीडिंग किसी वजह से, जैसे हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में ख़वातीन ने हज पे जाना है, उमरे पे जाना है, तो वो अपने जो नॉर्मल साइकिल होता है पीरियड्स का, उसे स्टॉप करना चाह रही होती हैं उन 35 डेज़ के लिए, 40 डेज़ के लिए, या 15 डेज़ के लिए, तो तब भी इसकी डोज़ ली जाती है। लेकिन आप उसको भी डॉक्टर की रिकमेंडेशन से लें, क्योंकि इसके विदड्रॉ सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं। जब आप इसे स्टॉप करते हैं तो आपका हार्मोनल साइकिल सब ख़राब हो सकता है। डॉक्टर अकॉर्डिंग टू आपके साइकिल उसको एडजस्ट कर देती है कि इसको इस तरह लेना। इसकी नॉर्मल जो डोज़ होती है वो आप अकॉर्डिंग टू आपके प्रॉब्लम डॉक्टर प्रिस्क्राइब करती है। आप दिन में सुबह दोपहर शाम 1-1 यानी 3 टैबलेट्स आ डे भी ले सकते हैं, इवन 4 टैबलेट्स ट्वाइस मॉर्निंग, और यानी 2 टैबलेट्स मॉर्निंग में 2 इवनिंग में ले सकते हैं। ये इसकी डोजेज है। इसके अलावा ये जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं इसकी, ये आप प्रेगनेंसी अगर चाह रहे हैं या प्रेगनेंसी हो गई है, तो आपने प्रीमोल्यूट एन बिल्कुल स्टॉप कर देनी है। ये प्रेगनेंसी में नहीं लेते, बिल्कुल भी नहीं लेते, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है प्रेगनेंसी के लिए। इसके अलावा अगर आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं तब भी नहीं लेते इस, और अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या आपको स्वेलिंग का इशू रहता है आपकी लेग्स में, आपके पाँव में, आपके घुटनों में, तो तब भी प्रीमोल्यूट एन इसके लिए सूटेबल नहीं है। डॉक्टर से पूछ के, क्योंकि इससे आपका ब्लड किसी टाइम थिक हो सकता है, इससे उसमें क्लॉट आ सकते हैं, तो हार्ट पेशेंट और जिन लोगों को एडिमा का इशू होता है वो डॉक्टर से पूछ के ये मेडिसिन लेंगे। इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो हैं कि आपको जो सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स हैं, कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, आपका अगर कोई हिस्ट्री है ट्यूमर की, यानी आपको कोई क्लोटिंग की हिस्ट्री है, जैसे हेडेक का मसला है, मीग्रेन का इशू है, ये सब चीज़ें आपने अपने डॉक्टर को इसे लेने से पहले बताना है, क्योंकि ये भी इन चीज़ों में भी इतनी सूट नहीं करती। इसके अलावा आपको ब्लड प्रेशर है,
आपको आपकी हार्ट बीट तेज़ रहती है, आपको कभी इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ यानी आपको हार्ट का कभी पेन रही है, हार्ट से रिलेटेड ब्लड प्रेशर जो भी मसाइल हार्ट से रिलेटेड हैं वो, इसके अलावा डायबिटीज़, इसकी पूरी डिटेल पहले हिस्ट्री आपने अपने डॉक्टर को बतानी है, फिर इसके बाद इसको यूज़ करना है। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में इसको नहीं लेना, और ब्लीडिंग के रोकने के लिए भी आपने खुद से यूज़ नहीं करना, डॉक्टर से पूछ के करना।